गांव में सुरेश और हरिलाल नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों का घर आमने सामने था। हरिलाल अपने पड़ोसी सुरेश से अधिक धनवान था। सुरेश जहां एक खेत का मालिक था तो हरिलाल के पास बहुत सारे खेत थे। हरिलाल की पत्नी विमला और उसकी 20 वर्षीय बेटी रुकमणी हरिलाल से बहुत प्रसन्न रहा करती थी। विमला, फटाफट मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। आज सुबह सुबह आपको कौन सा जरूरी काम याद आ गया है जी, कि आप नाश्ता किए बगैर ही सिर्फ एक कप चाय पीकर यहाँ से जा रहे हैं? तुम तो जानती हो विमला कि आजकल खेतों में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें इस साल 2 गुनी फसल उगानी है, इसीलिए मुझे स्वयं खेतों में रहना पड़ रहा है। और कितनी मेहनत करेंगे आप, जरा अपने ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए जरा। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे जी। विमला, मैं मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि गांव के उन गरीबों के लिए करता हूँ जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस जाते हैं। मैं जानती हूँ जी, आप अपने कमाए हुए धन का बहुत सारा हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। अपने गांव के जुगिया चाचा की बेटी का 1 महीने बाद विवाह है। परसों जुगिया चाचा मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। भला आपने कभी किसी की मदद करने से इनकार किया है क्या? यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर पाऊंगा? इतना कहकर हरिलाल अपने घर से चला गया। कैसे हो जुगिया चाचा, सब कुछ मंगल तो है? ईश्वर की कृपा है हरिलाल। मुझे लगता है कि मुखिया जी से भी तुम अपनी बेटी के विवाह की ही बात कर रहे होगे। हरिलाल की बात सुनकर जुगिया चाचा थोड़े से सक पका गए। तुमने बिल्कुल सही कहा हरिलाल, जुगिया चाचा बता रहे थे कि इस वक्त उनके हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और उनकी बेटी की शादी सर पर है, उन्हें कुछ मदद की जरूरत थी। गांव का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इनकी मदद करूं। आप जुगिया चाचा की मदद कैसे करेंगे मुखिया जी? जाहिर सी बात है, गांव का हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा दान जुगिया चाचा को कर देगा तो उनकी बेटी का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया चाचा, मैं जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने के लिए तैयार हूँ। हरिलाल की बात सुनकर मुखिया की आंखों में हरिलाल के प्रति प्रशंसा के भाव झलकने लगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हरिलाल, तुमसे बड़ा दानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। भला इतने पैसों की मदद कौन किसी की करता है? दरअसल मैं जुगिया चाचा को आपके पास खड़ा हुआ देखकर चौंक गया था, क्योंकि मैंने इनसे वादा कर दिया था कि मैं इनकी बेटी के विवाह में इनकी मदद जरूर करूंगा। मुझे क्षमा कर दो बेटा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना दान देने के लिए तैयार हो जाओगे। हरिलाल और जुगिया चाचा वहाँ से चले गए। मुखिया चला था कि तभी गांव का ही एक व्यक्ति सीताराम मुखिया के पास आकर बोला। क्या हाल चाल है मुखिया जी? मेरे हाल चाल तो सही है सीताराम, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी के पैर के इलाज में मेरा काफी रुपया खर्च हो गया है। उसके बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन बताया है। मैं इसी सिलसिले में हरिलाल के पास जा रहा था। इस गांव में सिर्फ हरिलाल ही तो है जो आंखें बंद करके दान करता है। मेरा ख्याल है कि तुम हरिलाल के पास नहीं बल्कि उसके पड़ोसी सुरेश के पास चले जाओ, देखने में वो एक अच्छा व्यक्ति नजर आता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन आप मुझे हरिलाल के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं रहा हूँ सीताराम, बात असल में ये है कि हरिलाल ने जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने का ऐलान किया है, अब उस बेचारे पर इतना बोझ भी मत डालो यार। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर सीताराम सुरेश के घर पर चला गया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। सीताराम जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक तो है? आपके चेहरे पर
ये चिंता कैसी झलक रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुरेश, वैसे तो मैं कुछ मदद मांगने हरिलाल के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुखिया जी ने बताया कि हरिलाल वैसे भी जुगिया चाचा को 5 लाख रुपए का दान करने का ऐलान कर चुका है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या समस्या है बताइए। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी के पैर के इलाज में कितना रुपया खर्च हो चुका है। मैं सड़क पर आ चुका हूँ, डॉक्टर ने मेरी पत्नी के पैर का ऑपरेशन बताया है, उसके लिए मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। सीताराम की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। आपसे जो बन पड़े आप उतनी मदद कर दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हरिलाल की तरह धन दान दे सके। सुरेश ने 1,000 रुपए निकाल कर सीताराम को पकड़ा दिए। क्षमा करिएगा सीताराम जी, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। सिर्फ 1,000 रुपए? सीता जी, मैं हरिलाल की तरह धनवान व्यक्ति नहीं हूँ। ये सच है कि मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपना परिवार चलाना होता है। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ती है, मुझे उसकी स्कूल की फीस जमा करानी होती है, और फिर इंसान की जिंदगी में उसके बहुत से निजी खर्च भी होते हैं। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सीताराम मुंह लटकाकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है सीताराम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके कहने पर मैं सुरेश के पास गया तो था। मुझे भी आपकी तरह लगा था कि सुरेश मेरी भरपूर मदद कर देगा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ ये 1,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे तो इस सुरेश पर दया आती है। एक इसका पड़ोसी हरिलाल है, जो दान करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, और एक ये कंजूस मक्खी चूस सुरेश, ऐसे लोगों के पास धन बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता। तुम हरिलाल के पास ही चले जाओ, जहाँ वो 5 लाख रुपए का दान दे सकता है, वहाँ वो तुम्हारी थोड़ी बहुत पैसों से मदद क्यों नहीं कर सकता। इधर सुरेश की पत्नी सुरेश से बोली, कल शहर से कुछ अनाथालय वाले आए थे, बोल रहे थे कि हरिलाल ने अनाथालय वालों को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। तुमने कितने रुपए की पर्ची कटवाई? आप जो मुझे 500 देकर गए थे, मैंने उन्हीं 500 रुपए की पर्ची कटवा दी। तो अनाथालय वालों ने क्या कहा? अजीब क्या कहेंगे, बुरा सा मुंह बनाकर चले गए। मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पीठ पीछे जरूर बुरा भला बोल कर गए होंगे। आजकल के इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है, इन्हें सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से बढ़कर दान दे सकता है क्या। मैं मुश्किल से उतना ही कमा पाता हूँ जितने से मेरे घर का खर्च चल सके, उसमें से भी मैं बचा कर कुछ दान कर देता हूँ। और रही बात हरिलाल की, तो उसके पास एक खेत नहीं बल्कि बहुत सारे खेत हैं। अरे अगर वो रोज के हिसाब से बिना लाखों रुपए दान कर दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी हरिलाल जो भी दान करता है ना, वो दिखावे के लिए करता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं हरिलाल को काफी समय से जानता हूँ। दान करने का उसका मकसद सच्चे भाव से नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने फायदे और अपनी प्रशंसा के लिए होता है। ऐसे दान का ईश्वर की नजर में कोई मोल नहीं होता। उसने सिर्फ गांव वालों की नजर में अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है, जबकि वो अंदर से अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। हरिलाल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा, यहाँ तक कि उसकी दान करने के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे। और सच तो ये था कि हरिलाल जितना भी दान करता वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सके। और बेचारा सुरेश अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ी हुई रकम में से जितना हो सकता था उतना दान करता था, फिर भी लोग सुरेश को बुरा भला बोलते और हरिलाल का गुणगान करते नहीं थकते। एक दिन हरिलाल अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी उसका नौकर बल्ली आकर उससे बोला, मान गए हरिलाल जी, आपका नाम तो दान देने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है, और तो और आपकी दान देने की खबरें टीवी और अखबारों में भी चलने लगी हैं। मैं यही तो चाहता था बल्ली। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें क्या लगता है
मैं ये दान जो भी लोगों को देता हूँ क्या दिल से देता हूँ? अरे मेरा बस चले तो मैं इन भिखारियों को एक फूटी कौड़ी भी ना दूं, लेकिन दान देना मेरी मजबूरी है और मैंने अपनी इस मजबूरी को अपना फायदा बना लिया है। मैं एक पक्का व्यापारी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मूर्ख बल्ली, मुझे अपने खेतों से साल भर में इतनी आमदनी होती है जितनी की शहर में व्यापार कर रहे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मेरे दरवाजे पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी, जबकि मैंने आज तक सरकार को कभी टैक्स भरा ही नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मूर्ख इंसान, मैं अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों में दान कर देता हूँ और अखबारों और टीवी में भी मैं ही कुछ पैसे देकर अपना एडवर्टाइजमेंट भी करवाता हूँ, ताकि मेरी इमेज लोगों की नजरों में अच्छी बनी रहे और मेरे घर पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड ना पड़े। सेठ जी, अगर कभी भविष्य में आपके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तब आप क्या करेंगे? कभी नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो ये गांव वाले इनकम टैक्स वालों का मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। बल्ली ने अपने सेठ का ये रूप पहली बार देखा था। वो चाह कर भी अपने सेठ से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी नजर में हरी लाल का अब दान देने वाली छवि नहीं थी। बल्ली की नजर में अब हरी लाल एक कपटी व्यक्ति था। ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन अचानक हरी लाल की बेटी रुकमणी की तबीयत बिगड़ गई। हरी लाल अपनी बेटी को अपने ही गांव के उस अस्पताल में ले गया जिस अस्पताल को बनवाने में उसने बहुत दान दिया था, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक कर दो, ये अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गई। चिंता मत कीजिए हरिलाल जी, आपके उपकार को इस गांव में कौन नहीं जानता। आज ये हॉस्पिटल आप ही की वजह से बनकर तैयार हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर रुकमणी के कुछ टेस्ट करने लगा। टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हरिलाल जी, आपकी बेटी को इन्फेक्शन हो गया है। वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सारे लोगों से अलग है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, आप किसी भी तरह से मेरी बेटी के ब्लड ग्रुप का ब्लड मंगवाइए। हरिलाल जी, आपकी बेटी का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड शहर में कहीं नहीं है। मैंने हर जगह फोन घुमाकर देख लिया है और गांव के सारे लोगों के ब्लड ग्रुप मेरी फाइल पर चढ़े हुए हैं। गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ब्लड मैं आपकी बेटी को चढ़ा सकूं। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकालकर मेरी बेटी को चढ़ा दीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी आज तक बीमार नहीं हुआ और ना ही कभी हॉस्पिटल में आया है। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तुम्हारी बेटी से मैच हो सकता है। मुझे बताइए कौन है वो व्यक्ति? सुरेश। हरिलाल दौड़ता हुआ सुरेश के पास चला गया। हरिलाल को घबराया हुआ देखकर सुरेश हरिलाल से बोला, क्या हुआ हरिलाल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हरिलाल रोते हुए सुरेश को बताने लगा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ हरिलाल जी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जो भी दान गांव वालों को देते हैं वो किस नियत से दिया करते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप आपकी बेटी से मैच हो जाता है तो मैं अपने शरीर के खून की एक एक बूंद आपकी बेटी के लिए दान कर दूंगा। इतना कहकर सुरेश हरिलाल के साथ डॉक्टर के यहाँ चला गया। डॉक्टर ने जब सुरेश का ब्लड ग्रुप देखा तो वो खुशी से हरिलाल की ओर देखता हुआ बोला, आपके लिए खुशी की बात यह है कि इनका ब्लड ग्रुप और आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन हम दो बोतल से ज्यादा खून नहीं निकाल सकते, जबकि आपकी बेटी को तीन बोतल की आवश्यकता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे बदन से तीन बोतल खून निकाल लीजिए, मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है और मैं जो भी दान करता हूँ अपने सच्चे मन से करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सुरेश के कहने पर डॉक्टर तैयार हो गया।
कुछ घंटे बाद हरिलाल की बेटी स्वस्थ होकर खड़ी हो गई और सुरेश को भी कुछ नहीं हुआ। वो तंदुरुस्त ही नजर आ रहा था। आज तुमने मुझे बता दिया सुरेश कि सच्चा दान किसे कहते हैं। मैं तो अपने फायदे और अपनी तारीफ के लिए लोगों को दान किया करता था, लेकिन तुमने आज जो दान किया है सच्चा दान उसे ही कहते हैं। आज मुझे विश्वास हो गया है कि सच्चे मन से किया हुआ दान ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद हरिलाल सुधर गया। उसने सरकार को टैक्स देना भी शुरू कर दिया और तो और उसने टैक्स के जितने भी पैसे अब तक बचाए थे वो सारा पैसा सरकार को चुका दिया और अब हरिलाल सिर्फ सच्चे मन से दान किया करता था। ये कहानी रीमा और उसके पति कपिल की है। एक बड़े से शहर में रीमा कपिल के साथ हार और माला बेचने का व्यापार किया करती थी। रीमा की तरह अच्छे माले और हार शायद ही पूरे शहर में कोई बनाया करता था। रीमा सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन लॉकडाउन लगने पर रीमा और कपिल को अपने गांव खरगपुर आना पड़ा। खरगपुर गांव अपने हार, फूल, मालों और डेकोरेशन की वजह से जाना जाता था। अरे तुम्हारे कहने पर हम गांव आ तो गए, लेकिन यहाँ करेंगे क्या? तुमने देखा नहीं, पूरे गांव में हार और फूलों का व्यापार है, बल्कि शहर से ज्यादा है। तो क्या हुआ, हम अपना व्यापार करेंगे और वो अपना। जैसे इतनी सारी दुकानें हैं, वैसे ही एक और सही। व्यापार गुणों से चलता है, ना कि दुकानों से। रीमा के कहने पर अगले ही दिन कपिल ने सारी व्यवस्था करके अपनी फूलों की दुकान खोल ली। अरे देख रही, कपिल की दुल्हन नई नई आई है ना गांव में, और आते ही उत्पाद शुरू कर दिया इसने। आने दो, बस एक दो दिन की मेहमान है, उससे ज्यादा कहाँ टिकने वाले यहाँ। दूसरे फूल वालों की बातें सुनकर रीमा और कपिल सहम गए थे, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपनी दुकान खोले रखी और पहले ही दिन उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, गुणों से व्यापार चलेगा, ना कि अच्छे और बड़े दुकानों से। मान गया तुम्हें, तुम्हारी बातें सच तो होती है। रीमा और कपिल बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी से अन्य दुकान वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे ये दोनों पति पत्नी कल के आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान तो चौपट हो जाएगी और हमें कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इनकी खासियत ये है कि इनके फूल ताजे और बहुत खुशबूदार होते हैं, बस इनकी दुकान में कुछ केमिकल डलवाने हैं और क्या। सुबह सुबह जब कपिल अपनी दुकान के लिए जंगल में फूल लाने गया था, तब वहाँ पर अमित ने उसकी फूलों में केमिकल डालने की साजिश रची। लेकिन तब तक खरगपुर के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के नौकरों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, खरगपुर गांव बहुत संकट में है। गांव के पुजारी के बेटे कौशल की तबीयत बहुत खराब है और ज्योतिष का कहना है कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा उसे स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। हमने सारे तौर तरीके आजमा कर देख लिए हैं, वैद्य हकीम क्या क्या नहीं किया। आप सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा मैं उसे धन से माला माल कर दूंगा। उन्हें देखकर अमित ने केमिकल नहीं डाला, लेकिन अमित मन ही मन पंडित की बातें सुनकर खुश हो गया। अरे पंडित के बेटे को बचाकर उसकी पूरी संपत्ति मांग लूंगा और अपना ये सड़ा हुआ व्यापार बंद कर दूंगा। ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो और काम पर ध्यान दो। उसी समय कपिल जंगल में ताजे ताजे फूल तोड़ने गया था। जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ, गेंदे का फूल वही सबसे अच्छा और बेहतर मिलता है, साथ ही रीमा के लिए थोड़े से गजरे भी तोड़ लूंगा। जैसे ही कपिल जंगल के अंदर गया, वहाँ उसने देखा कि जंगल में एक बूढ़ा ज्योतिषी ठंड से कांप रहा है। अरे बचाओ बचाओ, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये क्या, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। चलिए मेरे साथ, वरना आपकी हालत और नाजुक हो जाएगी। अरे अगर मुझे बचाना चाहते हो तो जाकर जादुई गुलाब का फल लेकर आओ। गुलाब का फल? ये कौन सा फल है?
ये एक जादुई गुलाब का पेड़ है, सिर्फ एक बार खिलता है। उस समय तुम उसका फल अगर तोड़कर ला सकते हो और उस फल को किसी भी मरीज को देकर उसकी जान बचा सकते हो। ये जादुई गुलाब के फल का पेड़ है कहाँ गुरुजी? मुझे बताइए, मैं आपकी जान बचाने के लिए उसे लेकर आऊंगा। गांव की काली पहाड़ी के पीछे काली माँ का मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर वाले पहाड़ पर वो पेड़ है। उस गुलाब के फल को एक व्यक्ति एक ही बार ला सकता है, उसके बाद वो पेड़ उस व्यक्ति के कुछ काम का नहीं। जी आप यहीं रुकिए, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। कपिल अपने जान की परवाह न करते हुए भी उस गुलाब के फल के पेड़ के पास चला जाता है। मंदिर और पहाड़ के रास्ते में कपिल को बहुत ही ज्यादा संभल कर जाना पड़ा। लगता है ये वही पेड़ है। इतने सालों से मैं फूलों और हारों का व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पेड़ की कोई खबर ही नहीं। जैसे ही कपिल उस पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ से एक गुलाब का फल नीचे गिरा हुआ है। उस फल को लेकर वो सीधा ज्योतिषी के पास पहुँच गया। अरे कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? आज दुकान पर भी बहुत नुकसान हो गया और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लाओ लाओ लाओ, मुझे वो गुलाब का फल दो। जी जी जी, ये लीजिए, ये जरूर आपकी सेहत अच्छी बना देगा। जैसे ही उस ज्योतिषी ने गुलाब का फल खाया, उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। अरे ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब क्या है? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो आज मेरा क्या होता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, लेकिन याद रखना, उस गुलाब के फल के पास तुम अपने स्वार्थ के लिए गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फल उस स्वार्थी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा, उसे स्वार्थ के कारण दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्योतिषी से विदा लेकर कपिल अपनी पत्नी रीमा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अगर ये बात सच है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। वो कैसे? गांव के पुजारी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जो भी उस बच्चे को ठीक करेगा उसे कई सारे इनाम दिए जाएंगे। बच्चे को ठीक करने के लिए इनाम? ये कैसी बात हुई? अगर इनाम ना भी मिले तो भी मैं उस बच्चे को ठीक करूं। लेकिन ज्योतिषी ने कहा था कि उस पेड़ से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक ही बार उसका फल तोड़ सकता है। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम जाकर बस उसे तोड़ लेना। बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इनाम विनाम देखा जाएगा। तुम अभी निकल जाओ उस गुलाब का फल तोड़ने के लिए। उस वक्त कपिल और रीमा की बात अमित सुन लेता है और वो उनसे पहले जाने की तैयारी करने लगता है और उस काली पहाड़ी के पास गुलाब के फल को ढूंढता हुआ चला जाता है। अब आएगा मजा, उस गुलाब के फल को लेकर मैं उस पंडित के बेटे की जान बचा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। यही पेड़ लग रहा है। जैसे ही अमित उस पेड़ से गुलाब का फल तोड़ता है, उसमें से आवाज आती है। लालची कपटी, तूने लालच में अंधा होकर पेड़ को पाप की नजर से देखा है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। अरे अरे, मेरी आंखें जल क्यों रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से रीमा वहाँ पर आ जाती है। अमित को वहाँ देखकर वो चौंक जाती है। अमित भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊँ रीमा बहन, मैं लालच से अंधा हो गया था और उस पेड़ ने मुझे उसकी सजा दी। रीमा उसे देखते ही पेड़ से गुलाब का फल तोड़ लेती है और उस फल को अमित को खिलाती है। उस गुलाब के फल को खाते ही अमित की आंखें ठीक हो जाती है। मुझे दिखाई दे रहा है रीमा बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने उस बच्चे को बचाने की बजाय मुझे बचा के बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। ये लीजिए गुलाब का फल, जाइए जाकर उस बच्चे को बचाइए। आपके पास ये फल कहाँ से आया? इस फल को तोड़ने के बाद ही मैं अंधा हो गया था, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित मुझे करना है। रीमा अमित से जादुई गुलाब का फल ले लेती है और जाकर उस पंडित के बच्चे यानी कि कुशल को खिलाती है। कुशल जैसे ही गुलाब का फल खाता है, ठीक हो जाता है। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहो क्या चाहिए तुम्हें? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए,
बस आपके बड़े मंदिर में जाने वाले हार और फूलों की माला आप हमसे ले लीजिए तो बड़ी कृपा होगी हमारे लिए। रीमा की नेकी और सच्चाई देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। रीमा और कपिल अपना जीवन खुशी खुशी खड़गपुर में बिताने लगते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्भार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है, तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है, मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना, तू मेरी बात मान या ना मान वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था, घर में काफी मेहमान थे। और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी। आभा के घर आते ही, बेटा मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था, आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे, क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो, मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है, मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मार कर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है,
वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे, शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना। वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की, ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है, इसमें सब्जी फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है, अलमारी जैसा? वो मिट्टी की फ्रिज है, इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची, और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं, और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा,
बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।